नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोहाली के बलोंगी में गत रात्रि मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों की वीरका ट्रक के साथ हुई भीषण टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हथियारों और नशे की तस्करी करने वाले 8 नौजवानों को किया गिरफ्तार। 4 किलो हेरोइन, पाकिस्तानी मेड सहित 2 पिस्तौल, 2,07,000 रुपयों की ड्रग मनी और 7 कारें की बरामद। जालंधर के मई हीरा गेट में लुटेरों ने बंदूक के नोक पर सिटी जूस बार के मालिक से लूट की वारदात को दिया अंजाम। 20,000 रुपयों की नकदी व सोने की चूड़ी लूट हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। मोहाली के बलोंगी में गत रात्रि मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों की वीरका के ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई, जिस कारण सागर नामक एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो भड़के हुए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिस कारण पुलिस की 3 से 4 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। मौके पर इंस्पेक्टर सुमित मोर तथा अन्य पुलिस की टीम पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਲਣਾ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਰ ਸੀ ਜੀ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜੀ। 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। पंजाब में लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से भी पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी, जिसके बाद अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब अमृतसर पुलिस ने सीमा पार हथियारों और नशे की तस्करी करने वाले 8 नौजवानों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 8 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 किलो हेरोइन, एक पाकिस्तानी मेड पिस्तौल और एक 32 बोर की पिस्तौल के अलावा 2,07,000 रुपयों की ड्रग मनी भी बरामद की गई। इसके अलावा इन नौजवानों से 7 कारें भी बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन नौजवानों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है और इन 8 नौजवानों में से 2 नौजवानों पर पहले धारा 307 के मामले भी दर्ज हैं। वही उन्होंने बताया कि इस ग्रुप का किंग पिन रंजीत उर्फ काका है, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग डीजीपी साहब ने हदायतों मुताबिक
गुरु की नगरी अमृतसर नू नशा मुक्त बनाने के अभियान चलाने के नाल कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने बड़े अणथक यतन करके 4 किलो जिहड़ी हीरोइन रिकवर की आ। एक जिहड़ा मेन गैंग हैगा जिहड़ा क्रॉस बॉर्डर नारको टैरोरिज्म का काम करता वह बस्ट किया, जिन्हां चों 7 गड्डियां 2 लाख रुपया ड्रग मनी, एक जगियाना पिस्टल, 32 बोर पिस्टल, लाइव कैटरेज ये सारे बरामद होए ने। एक करिंडे थाने का बंदा रणजीत सिंह काका ये 307 दे विचो 2 केसां च वांटड हैगे सीगे। पुलिस नू क्ल्यू मिलन ते वह 307 दे बंदियां तों उन्हां नू अरैसट करके इन्हां दे फरदर ओपरेशन दौरान वख-वख समयां दौरान टोटल 4 किलो जिहड़ी आ पुलिस आ जिहड़ी साडी 4 किलो ते 10 ग्राम हीरोइन रिकवर करन च कामयाब होई आ। एक बहुत ही अहम जिहड़ा नैटवर्क सीगा जिहड़ा पुलिस नू वख-वख केसां च लोड़ींदा सीगा। ये 8 बंदे जिहड़े इस केस इनवॉल्व ने सारिआं दा जिहड़ी प्रीवियस हिस्टरी आ कोई NDPS दी नहीं सी, परंतु ये IPs दे क्रिमिनल केसां च किसी ना किसी छोटे छोटे केसां च वांटड हैगे सीगे। इन्हां नू अरैसट करके सानू एक वड्डी वड्डी सफलता प्राप्त होई आ, जिहदे नाल असीं अमृतसर शहर दे विचों ते अमृतसर दे आले दुआले चों इस नू नशा मुक्त करन च कामयाब होण लई कुल 8 जणे गिरफ्तार होए ने। इन्हां दा ND दा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हैगा, इन्हां दे 307 दे परचे सी, 2 बंदे 307 दे विच वांटड सीगे। सानू साडे CIA इंस्पैक्टर अमनदीप सिंह, ADCP संधु साहब, ADCP सिटी वन दर्पण ते कुलदीप सिंह जी, इन्हां ने यह सारा ऑपरेशन बड़े लंबे समय तो इन्हों मोनीटर करते आ रहे सी। ये सानू वांटड सीगे, ये बंदा कला कला बंदा फड़ के अरैसट करके उहदी बैकवर्ड लिंकेज जाके उहदी फाइनैंशियल इन्वेस्टिगेशन जाके ये सारी टीम ने पूरी मेहनत करके इन्हां नू कई दिनों का यह जिहड़ा ऑपरेशन सीगा इनू अल्टीमेटली कल अनअर्थ करके इनू कंप्लीट किया। जालंधर के माई हीरा गेट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वीटी जूस बार के मालिक को लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया, तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरा में कैद होगी। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बड़ी दुकान मालिक अनमोल ने बताया कि वह खाना खा रहा था कि इस दौरान 3 व्यक्ति एक्टिवा पर आए जिन्होंने मुंह ढकी हुई थी। अनमोल ने बताया कि इनमें से 2 लोगों के पास पिस्तौल थी और उन्होंने उस पर पिस्तौल तान कर उससे तिजोरी की चाबियाँ मांगने लगी। जब उसने चाबियां नहीं दी तो हमलावरों ने पिस्तौल की बट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद लुटेरे तिजोरी की चाबी लेकर 15 से 20 हज़ार रुपयों की नकदी और सोने की चूड़ी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि उसने लुटेरों का पीछा भी किया पर वे उसे धक्का देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक गुरुसिख जसबीर सिंह अपने समधी के साथ विवाह समागम में भाग लेने के लिए पहुंचा था। इस दौरान वहां पर डीजे वाले के साथ हो रहे विवाद को सुलझाते हुए उसके दामाद के चाचा और उसके साथियों ने जसबीर सिंह की दस्तार उतारकर उसकी बेटी से मारपीट की, जिसे लेकर वे पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर पीड़ित जसबीर सिंह और उसके बेटे ने बताया कि उनकी बेटी की ननद का आज विवाह था। यहां लड़की के चाचा, ससुर और उसका बेटा डीजे वाले के साथ झगड़ रही थी,
जब उन्होंने इस मामले में उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे उनके साथ ही लड़ पड़े। इस दौरान उनकी दस्तार उतर गई और उनकी बेटी व उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं जब इस संबंधी पुलिस जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है, बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। जो हड बीती हुई है मेरे फादर साहब ने, सो होया कि सी जैसे अपनी मेरी सिस्टर की ननान की मैरिज सी उत्थे आए थे। उत्थे चलो डीजे वाले ना थोड़ा बहुत झगड़ा झुगड़ा है उन्होंने, जो उन्हें शराब दारू वगैरह पीती थी। मंगा मसीह नाल उहदा बेटा प्रिंस मोहित और एक जशन सीगा और दो तीन जने अनपछाते सीगे। ठीक है जी, असी लड़ाई छिड़वाई है। असी लड़ाई छिड़वाण दे विच ही गल तो अगे ते इत्थों पिछों दी आ के बैक साइड तो आके शहनाई पैलेस विच मेरे फादर साहब जी की पग लाई है, जो सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने दात बख्शी है। ठीक है जी, पग लाई है। जे असी अपने शस्त्रां दा इस्तेमाल करिए तो असी गलत हाँ, जे असी शस्त्र इस्तेमाल करते जो उन्होंने वजन दे असी तां वी गलत होना सीगा। मैं अपील यही करता हाँ कि सानू जो भी वध तो वध कानूनी कार्रवाई बनती है तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए आ। मेरा नाम है जसवीर सिंह, पिंड मेघा मेरा। इतने मजीठा रोड से मेरी बेटी भी आई है, उहदी ननान दी अज मैरिज सी ते मैं उत्थे सगन ते आया हां। तो मेरी सहनाई पैलेस महाराज इतने मीठा रोड से बबे। तो मेरी दवाई जवाई के नाल इहदा चाचा सगा वो झगड़ा कर रहा है, तो मैं इन्हों छवा के उन्होंने पैलेस तो बहर भेजता है। जवाई मेरा जरा इन्हों मैं परली साइड से करता, चाचा है उत्तों ही घूम गया पौड़ियां थानी पिछों ही आ गए मेरे इतों दस्तार खिंच के बड़े जोर के मैं वाला तो खिंच के थले सुटता। बाद मेरे को जे अं इतों अपने शस्त्र कढ़ीए फिर अं उत्थे गलत हो जाने। मैं अपने मन में शांत रखा, मैं कोई गल नहीं तू कर ली ना गलती। फिर मेरी बेटी अगे जाके ढा के ढिड च लत्तां मार के जाके गया। यद ना है जी मंगा बख्शीर मसीह छाटे का रहने वाला जी। ये बेटे का ना जी प्रिंस, एक नाल है जी भैन का मुंडा मोहित, एक है जी थोड़ा कोई होर नाल जशन, चार बंदे होर अन बन छाते इन्होंने नाल इन्हें रज के। हाँ जी झगड़ा बाबा जी इन्हों मेरे इन्हों कोई गल ही नहीं है। मेरे तो बेनजायज जिन्हों मर्जी उत्थे आके तुम पुछ सकते जी, मेरे बिल्कुल बेनजायज ने मगरों की आगे पग खिंच के मैंने सुटता बिच। झगड़ा छड़ा रहे अं छा रहे बाबा जी, बस उसे पुछ सकते जिन्होंने मर्जी डीजे वाले की गल पैन लगी उसे बेचारे की वे हथी पाई होने। अं तो कोई गल बुला भी नहीं उन्होंने बाबा जी। ठीक है, कोई कंप्लेट दी कंप्लेट बाबा जी इतने दरखास्त देती है, अगे कार्रवाई है जो बनती वो करे। पुलिस वालों क्या गया जी? अं जो देखो कानूनी कार्रवाई होगी इन्होंने पूरी करा इन्होंने। ठीक है जी, मैंने यदा पूरा पूरा भी बाबा जी इंसाफ मिलना चाहिए। सर मेरी जी दस्तार लगी है, मैंने तो अजय 40 दिन भी पाना पाए दिन ये बंद इन्नी मत होनी चाहिए जिन्होंने पता लग जाए किया चंकी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जालंधर में उपचुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी अलका कालिया ने भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल का नामांकन लिया। इससे पहले शीतल अंगुराल की ओर से बस्तियात क्षेत्र से भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, SEIU के पूर्व चेयरमैन विजय सांपल, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक KD भंडारी, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया सहित कई वरिष्ठ नेता इस रोड शो में शामिल हुए। इस मौके पर शीतल अंगुराल के समर्थक बस्ती दानिशमंदा से नाचते गाते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व विधायक शीतल अंगुराल ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वेस्ट क्षेत्र का भविष्य अब लोगों के हाथ में है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सारे जिन्हें भी लोग आए हैं, जिन्हें मेरे दुकानदार भी हैं, मेरिया पैरा मेरिया मकान साढ़े मंडल के प्रधान साढ़े जिन्हें लीडर साहबान आए हैं, जय कौल से रिंकू भाजी का सारी टीम का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता। मैं गर्मी के बीच भी अच्छे धन्यवाद है कि जिंदर वैश्व के लोग रिंकू जी और शीतल जी को किन्ना प्यार करते हैं, किन्नी मुहब्बत करते हैं, ये अच्छा कट दसदा मैं। और आने वाली 13 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो मेरा छोटा भी मुड़ के तहे इलाके की सेवा करूँगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास है। हूँ मैं अपने छोटे भी शीतल उदास साहब को बेनती करूँगा कि सारे धन्यवाद भी कर और सारे का आशीर्वाद भी लैन शीतल उदास साहब। बहुत ही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਘਰੂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਗਰ 28 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭੀ ਜੈ ਭਾਰਤ दिव्य ज्योति वेद मंदिर जो कि शोध आधारित संगठन है जो संस्कृत संस्कार और संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करता है इसी के तहत 10 दिवसीय एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 300 से अधिक ब्रह्मज्ञानी वेदपाठी ऋषिकाएं वैदिक जाप और गहन अनुभव को सीखने के लिए एकजुट हुई इसके भव्य समापन समारोह में एक शक्तिशाली यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें गूंजते हुए समूह मंत्रों का प्रदर्शन किया गया आप भी इस पवित्र सभा से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को इस रील के माध्यम से जरूर महसूस करें संज्ञा सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाद्भूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम् कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाद्भूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम गुरु साईंदास एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक जालंधर में हमारा युवा परिवार आदर्श नगर की ओर से विद्यालय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर 86 वर्षीय योग माता शकुंतला देवी और उनकी बेटी राजकुमार आर्य शामिल हुए वहीं कार्यक्रम में योग साधकों ने योग दिवस प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न आसन और प्राणायाम की जानकारी दी इसके साथ ही एक्यूपंक्चर उपचार का भी प्रदर्शन किया गया इस कार्यक्रम में साईंदास स्कूल के प्रिंसिपल राकेश शर्मा एवं उनका समस्त स्टाफ 2 पंजाब बटालियन 1 पंजाब के एयर स्काई एनसीसी कैंडिडेट्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया वहीं आदर्श नगर योग परिवार के अध्यक्ष सतविंदर सिंह कुंदी साईंदास स्कूल के प्रिंसिपल राकेश शर्मा एनसीसी के अधिकारी संदीप सेठी संजीव शाम और जस योगा अकेडमी की जस कुंदी व उनकी पूरी टीम ने भी इस आयोजन में भाग लिया वहीं सूरभि सक्सेना और गुरबख्श मदान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई कार्यक्रम के दौरान मैक्स अस्पताल की प्रयोगशाला द्वारा एक विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया जिसमें कोलेस्ट्रॉल
शुगर और थायराइड की जांच भी की गई। इस सुविधा का लाभ कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवा कर किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में साईंदा स्कूल के प्रिंसिपल ने भी सभी विशेष अतिथियों को सम्मान देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में फोक पंजाब भांगड़ा ग्रुप की टीम ने एक शानदार भांगड़ा प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहना की। इस आयोजन ने योग के महत्व को दर्शाया और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी आप भी ऊपर ही आ जाइए। आदरणीय पूजनीय प्रिंसिपल साहब राकेश जी का भी जोरदार ताड़ी नमन करिए, वेलकम करिए, जिन्होंने इन्ना सुंदर प्रबंध किया। और मैं बेनती करांगा कि मंच के ऊपर आ जा। और साईंदा स्कूल जरा ना है, ये मात्र पंजाब तक नहीं सीमित है, ये पूरे हिंदुस्तान तक सीमित है। प्रेरणा दे रहे जी, इस करके बेनती करांगा कि हमारा योग परिवार जलंधर का उनका जोरदार ताड़ी अमलन करें। वो बच्चों का विश जरा ना उज्जवल हो जाता वा, तो साईंदा सहो जा बच्चे भी आए हैं, उनका भी जोरदार अमलन करें। हमारे शहरा जी है ना, हाँ देखी जिला प्रभारी। मैं भी बन जा, मैं भी करना, मेहनत करनी पैंदी है, कोशिश करनी पैंदी है, फिर जाके चीजां प्राप्त होंदियां ने। प्रिंसिपल दा उदा मिलना कोई एवें नहीं मिल जांदा, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। सारे नमस्कार कर रहे माता जी, स्वीकार करो नमस्कार। स्वीकार वह करेगा जो इदा कर लेगा, उन्हें मान लो कि माता का स्वीकार। बहुत वधिया वापस, बहुत वधिया वापस, बहुत वधिया। गुस्से चिट्टापन तो मुक्ति मिलती है कपाल भाती दे नाल, प्राणायाम दे नाल। ऊर्जा एक शक्ति का संचार होता है कपाल भाती दे नाल। और मणिपुर चक्कर नाभी के भीतर एक्टिव हो जाता है मूलाधार चक्कर। 40 बारी 50 बारी, लेकिन इहदा फायदा मिलेगा शुरुआत जी 10 वारी 20 वारी 30 वारी, जदू 1 महीना 2 महीने हो जाण फिर 100 वारी करो। सही सारे ही योग साडे विच समाया, गोल्ड साडे विच समाया, हीरा साडे विच समाया, उहनू बाहर कढ़ना रिड़क रिड़क के। थक जांदे जी रुक जाया करो, गहरा सांस बाहर जा, मन नूं पता करो। एक क्षण विच उस पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून का मनाया जा रहा है, वो पूज्य योग माता जी साढ़े आदरणीय सत्कारयोग सरदार सतवंत सिंह कुंडी जी, उन्हें यश योगा टीम हमारा परिवार योगा टीम ने इतने आ के नाल भंगड़ा टीम लै के और इन्होंने बहुत वधिया इकट्ठ किया वा। और साईंदा स्कूल के प्रिंसीपल तो NCC के बच्चों ने भी इतने आ के जरा अज का योगा डे जरा मनाया 21 जून का, और पूज्य योग माता जी ने भी इतने जो कठिन आसन किए ने, और हमारा योग परिवार जी टीम है इन्होंने सेम टू सेम उस तरह कठिन आसन करके मिसाल पैदा की है कि इन्हों जे प्रमुख ने इन्होंने टीम चो जान पाइए तो योग के नाल बजुर्ग तो लैके बच्चों ने वो कठिन आसन करके दिखाए। मैं सारे धन्यवाद करता हूँ। नंबर ते ओम दा उच्चारण करो, उस प्रभु नु याद करो, ते फिर कपाल भाती करो, लम्मे साह बस्त्री दा ये करो, फिर इस तो बाद कपाल भाती। फिर इस तो बाद लौंग लौंग पूरी ऑक्सीजन जी लंबी गहरी पर
ये करुण दे ना 10 मिनट 20 मिनट करद्या करद्या अद्धे घंटे सीधा वो ये नाल तुहाडा जड़ा ना एक एक जड़ा सैल लेने वो चार्ज होएगा जिम्मे फोन चार्ज करना ना इस तरह ही असं ये चार्ज करा एक लम्बे सह एक ये तो बहुत जरूरी एक बाल भाती ये जरूरी जरूरी जड़े ना ये करो फिर चुकचमैन पे करो ऐ जड़िया ऐ नाड़ा खुलन लगे ऐ करो ऐ करो ऐ करो तो ये थोड़िया ये वेख 10-10 बारी फिर 20-20 बारी 100-100 बारी तू जो लग पे होगे ना कर 100-100 बारी जदों करोगे ना तो थोड़िया सारिया बीमारियां निकल जाए पहला 10 बारी तू चालू करो 20 बारी वो जरा नहीं ना कर सकता वो थोड़ा थोड़ा करेगा ना जून जून लचक फिर सही सही लचक बनती जाएगी तो सारिया बीमारियां निकल सकता। आज हमारे जलंधर में साईंदास स्कूल में पटेल चौक में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया जिसमें हमारे बुलाने पे स्पेशल माता योग माता शकुंतला देवी जी स्वामी जी और पंजाब सरकार से सम्मानित हमारे कहने पे यहाँ पे आए उन्होंने आज आके यहाँ पे सभी को योगा और योग आसन करवाए सर्वाइकल की पॉइंट्स जो भी उनको था वो उन्होंने सभी को ठीक किया सर्वाइकल की दर्द जैसे अभी भी बैठे मेरे साइड में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अमृतसर से यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए गर्व की बात है कि जो हमें आज साईंदास स्कूल के प्रांगण में माता जी और प्रिंसिपल राकेश शर्मा जी का बहुत साथ मिला और हमारे जो वहाँ यहाँ के एनसीसी के कैंडिडेट बच्चे हैं वो भी बीच में शामिल हुए जस योगा एकेडमी उनकी टीम इसमें आई और हमारा योग परिवार की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया गया। मैं सभी से बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को अटेंड किया धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टियों के मद्देनज़र दुकानदारों ने 3 दिन के लिए दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। गौरतलब रहे कि जालंधर के मॉडल टाउन की मोबाइल एसोसिएशन की दुकानदारों की ओर से ये ऐलान किया गया है जिसके चलते 28 जून से लेकर 30 जून तक दुकानें बंद रहने का ऐलान किया गया है। जालंधर छावनी के मोहल्ला नंबर 16 के वैजनाथ हाते में मुबारक मेला श्री बिल्ले शाह कादरी चिश्ती की अध्यक्षता में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कव्वालों ने अपनी कव्वालियों के माध्यम से बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मनमोहन सिंह गुरुदेव चंद कृपा सिंह मुकेश कुमार एनआरआई सरबजीत कुमार कमल चौहान भूषण अग्रवाल सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨਸਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ
शिव शक्ति माँ बंगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम सुबह माँ बंगला मुखी जी की हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आई हुई यजमानों से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में हूतियाँ डाल यज्ञ को सम्पन्न करवाया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू हैप्पी बाबा आचार्य श्री विजय शास्त्री विकी विज बब्बा अंगुराल अमित गुजराल अजय नारंग राहुल चड्डा जी एस नंदा मनोज चड्डा दीपांशु रोकी खुराना वंदना शर्मा निधि शर्मा राधिका महाजन सिमरन चड्डा एडवोकेट सिमरन भल्ला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। अंत में विशाल भंडारी का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दुमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियाँ देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश राम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वाचम मुखम पदम समय जीवा किल बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखे सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम समय जीवा किल बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम हरि बगला मुखे सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम समय जीवा किल बुद्धि विनाशे हरि मां स्वाहा। ओम हरि बगला मुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं संवै जीवा
किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पादं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। ओम हरि पगला मुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि मोम स्वाहा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोहाली के बलोंगी में गत रात्रि मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों की बेर का ट्रक के साथ हुई भीषण टक्कर, एक की मौत एक गंभीर घायल। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हथियारों और नशे की तस्करी करने वाले 8 नौजवानों को किया गिरफ्तार। 4 किलो हेरोइन, पाकिस्तानी मेड सहित 2 पिस्तौल, 2,07,000 रुपयों की ड्रग मनी और 7 कारें की बरामद। जालंधर के मई हीरा गेट में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर सिटी जूस बार के मालिक से लूट की वारदात को दिया अंजाम। 20,000 रुपयों की नकदी व सोने की चूड़ी लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।